Hello guys, welcome back to the channel. So today we are talking about the why do we need medicals for becoming a pilot, and what are the medicals we needed to become a pilot, and what is class 2 medical and what is class 1 medical. क्या मैंने क्लास टू मेडिकल करा लिया है, क्या मैंने क्लास वन मेडिकल करा लिया है, ये सब बात करेंगे इस वीडियो में. सारी क्वेरीज सॉल्व होने वाली हैं आपकी जो मेडिकल्स में रिलेटेड होती हैं टू बिकमिंग अ पायलट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई डू वी नीड मेडिकल्स फॉर बिकमिंग अ पायलट. सो एज सिंपल एज दैट यार, अगर आप फ्लाई करते हो, आप 30,000 35,000 फीट पे अगर एल्टीट्यूड पे आप फ्लाई कर रहे हो एयरक्राफ्ट, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है. आप अभी ज़मीन पर हो, अर्थ सरफेस पे हैं अभी हम, तो हमारा जो हेल्थ है वो जितने एल्टीट्यूड पे अभी हम हैं उस हिसाब से हमारी हेल्थ है. तो हमको पहले से ही मेडिकल्स कराने पड़ते हैं कि आप इतने एल्टीट्यूड पे फ्लाई करोगे तो वहाँ जो एटमॉस्फेयर चेंज होगा, क्या आपकी बॉडी अडेप्ट कर पाएगी उसे या नहीं कर पाएगी. इसलिए हम पायलट्स को पहले ही पेपर से या ट्रेनिंग से पहले हमें पहले ही मेडिकल कराने पड़ते हैं, विच इज़ क्लास वन मेडिकल एंड क्लास टू मेडिकल. ये दो मेडिकल कराने पड़ते हैं हमें ट्रेनिंग से पहले, और किसी भी जॉब जाने के लिए हमें ये मेडिकल, सबसे पहला प्रोसीजर हमारा मेडिकल्स का ही है. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द मेडिकल्स डू वी नीड फॉर बिकमिंग अ पायलट, आर क्लास टू मेडिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू क्लास टू मेडिकल, देन आफ्टर क्लास टू मेडिकल फिट, देन वी हैव टू अप्रोच फॉर क्लास वन मेडिकल. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमको क्लास वन मेडिकल एंड क्लास टू मेडिकल कहाँ से कराने पड़ते हैं, क्या क्या मेडिकल्स होते हैं इसमें, और कौन करता है ये, हमको कब कराने चाहिए, तो ये बात करते हैं अब. सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, सारा शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस. सो मैंने अभी अपना क्लास टू मेडिकल करा लिया है. क्लास वन मेरे को थोड़े टाइम बाद कराना है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, आगे वीडियो पूरी देखना. तो पहले क्लास टू मेडिकल की बात करते हैं कि हमको क्लास टू मेडिकल कब कराना होता है, व्हेन वी गेट अवर क्लास टू मेडिकल, फ्रॉम वेयर वी गेट क्लास टू मेडिकल. सो सबसे पहले क्लास टू मेडिकल हमें तब कराना होता है, जैसे मान लो आप 12th पास के बाद आपने ये सोचा है यू आर थिंकिंग टू बिकमिंग अ पायलट. सो फर्स्ट क्लियर योर 12th एग्जाम, गेट योर 12th मार्कशीट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल apply for the computer number. So what is computer number? I will make a separate video of computer number, how to apply for computer number and what is computer number. So मैं एक separate video बना दूंगा. Till मैं अभी यही बता पाऊंगा कि computer number पहले, सबसे पहले apply करना होता है सबसे पहले 12th के बाद, या आप graduation के बाद सोच रहे हो pilot बनने के लिए मेरी तरह, तो पहले कंप्यूटर नंबर अप्लाई करना होता है. तो आपका कंप्यूटर नंबर विद इन 4 to 6 वीक्स में आ जाता है बाय DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडियन अथॉरिटी. तो आपका 4 to 6 वीक्स में आ जाता है DGCA के थ्रू कंप्यूटर नंबर. व्हेन वी गेट अवर कंप्यूटर नंबर, ऑन द डेट वी गेट अवर कंप्यूटर नंबर, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना क्लास टू मेडिकल करवाना है. ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको क्लास टू मेडिकल करवाना है अपना. कहाँ से कराना है? DGCA के अप्रूव्ड डॉक्टर से कराना है आपको क्लास टू मेडिकल. DGCA के अप्रूव्ड डॉक्टर की लिस्ट कहाँ से मिलेगी चिंता मत करो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा. सबसे पहले लिंक खोलना, जिसे कराना हो डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक खोलना. अपने एरिया के वाइज, अपने नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन, सबके अलग अलग डॉक्टर्स हैं DGCA के अप्रूव्ड डॉक्टर्स हैं हर रीजन्स के. अपने नियरेस्ट एरिया में जो डॉक्टर आपको मिल रहा हो आप वहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट ले. अपॉइंटमेंट कैसे लोगे? बाय ईमेल, व्हाट्सअप और कॉल. सिंपल कुछ नहीं करना, क्लास टू मेडिकल के लिए आपको डॉक्टर को अप्रोच करना है DGCA के अप्रूव डॉक्टर से. सिंपल कॉल करो, ईमेल करो, व्हाट्सअप करो, आपको वो अपॉइंटमेंट दे देंगे. यू हैव टू गो देयर एंड गेट योर क्लास टू मेडिकल, एज सिंपल एज दैट.
अब बात करते हैं कि क्लास टू मेडिकल में होता क्या क्या है। देखो सबसे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। मैंने अपॉइंटमेंट लिया, मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने डॉक्टर संजीव सूद सर से अपॉइंटमेंट लिया। उनका भी मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको उनसे ही अपॉइंटमेंट लेना हो तो प्लीज़ आप उन्हें भी कॉल कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मगर जिसे अपॉइंटमेंट लेना हो सिर्फ वो ही कॉल करें, प्लीज़ अपॉइंटमेंट के लिए ही कॉल करें और कंसल्ट के लिए कॉल करें। कंसल्टेशन जिसे भी पूछना है, जिसे भी प्रॉब्लम आ रही है, सो सिर्फ वही लोग कॉल करें। सबसे पहले मैंने अपॉइंटमेंट लिया। मैंने अपॉइंटमेंट लेकर सबसे पहले मेरा जो टेस्ट हुआ वो हुआ मेरा ब्लड शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ मेरा, ठीक है, ऑडियोमेट्री टेस्ट हुआ मेरा, ईयर्स के कि आप ढंग से फ्रीक्वेंसी सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे, ये टेस्ट होता है, एंड ECG होता है, BP चेक होता है, एंड आपके कोई मतलब कोई निशान वगैरह तो नहीं है, स्कार्प तो नहीं है, या आपके बर्थ मार्क तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। प्रॉब्लम्स कुछ नहीं आती, बस वो क्लास मेडिकल्स में लिखना होता है कि इसके मार्क है। मेरे तो खैर कोई बर्थ मार्क नहीं था, मगर मैं बस आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको सिंपल रहना है वहाँ पर। आपको जो आपको है सिंपल डॉक्टर है यार, वो है सिंपल डॉक्टर्स हैं, सब बताना है डॉक्टर्स को जो आपको बीमारी है, क्या क्या आपको लग रही हैं। आपको ज़्यादा हेडेक तो नहीं रहता, या आपको ज़्यादा फीवर तो नहीं रहता, या आपको नींद नहीं आती, या ऐसी ऐसी बीमारी कुछ डिजीज होती हैं कुछ लोगों को, तो पहले बता दिया करते हैं डॉक्टर को, अदरवाइज यू विल गेट अ प्रॉब्लम इन फर्दर ईयर्स। सो सबसे पहले तो मेरा ये टेस्ट हुआ, और जो जो टेस्ट होते हैं मैं आपको लिस्ट दे दूँगा, ठीक है। ये सब इवेल्यूएशन टेस्ट सारे होते हैं यार, सब टेस्ट होते हैं, तो सिंपल है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हम क्लास टू मेडिकल के लिए आप मेडिकल जब अपॉइंटमेंट ले लो तो अपॉइंटमेंट से पहले आपको क्या करना पड़ता है ना, आपको EGCA एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पर डाल दूंगा नीचे, EGCA वेबसाइट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की। वहाँ पर हमारा सारा डाटा सेव रहता है मेडिकल्स का, आपने कितने घंटे फ्लाइंग करी है, कितने घंटे फ्लाइंग होने वाली है आपकी, किस किस से मेडिकल्स करवाए हैं आपने, कौन सा मेडिकल्स आपका हो गया है, कौन सा नहीं हुआ है, ये सारा हम EGCA पोर्टल से ही करते हैं। सबसे पहले आपको EGCA पोर्टल पर अपनी ID बनानी है। आपने जो अपना कंप्यूटर नंबर जनरेट कर लिया होता है तो आपको अपना कंप्यूटर नंबर अपडेट करना पड़ता है EGCA पोर्टल पर। सब कुछ काम करने के बाद, ID बनाने के बाद, पोर्टल पे अपडेट करने के बाद कंप्यूटर नंबर, सबसे पहले आपको EGCA पोर्टल पे अपनी ID बना ली आपने, उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड ऑल, एंड उसके बाद आपको एक EGCA ID अलॉट हो जाती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सब। उसके बाद आपको ID बनाने के बाद आपको एक लास्ट में बिल्कुल लास्ट में आपको EGCA ID आपको जनरेट होगी, एंड दैट EGCA ID पासवर्ड दैट यू हैव क्रिएटेड यू हैव टू टेल योर डॉक्टर जिसके साथ आपने अपॉइंटमेंट लिया है, उसे आपको EGCA ID एंड पासवर्ड आपको बताना पड़ेगा। सो EGCA ID बताने के बाद आपको डॉक्टर्स आपका इवेल्युएट करेंगे EGCA ID, क्या आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाली है कि नहीं डाली, वो सब आपको इवेल्युएट करने के बाद वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। एज सिंपल, आपको वहाँ जाना है, अपना क्लास टू मेडिकल देना है, एंड आफ्टर 2-3 डेज यू विल गेट अ क्लास टू मेडिकल सर्टिफिकेट, एंड आपका वही डॉक्टर अब सर्टिफिकेट आपकी सारी रिपोर्ट्स, अगर आप उसी सिटी में हो या तो आप रिपोर्ट्स फिजिकली कलेक्ट कर लो डॉक्टर्स के थ्रू। मेरे साथ क्या हुआ था मैं बताता हूँ, जैसे मैंने क्लास टू मेडिकल करवाया था तो मेरे को वापस आना था, उसी दिन वापस हरिद्वार आना था, मैं दिल्ली में नहीं रुक पा रहा था, तो मैंने क्या किया था, सर ने बोला था, डॉक्टर संजीव सर सूद ने ये बोला था कि आप घर चले जाओ, कोई बात नहीं, सारा काम मैं कर दूंगा। तो ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, तो उन्होंने सबसे पहले मेरा क्लास टू मेडिकल का सर्टिफिकेट उसी दिन, सोचो उसी दिन मेरा क्लास टू सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया, मुझे भेज भी दिया, सारी रिपोर्ट्स भी भेज दी उसी दिन। मेरे ख्याल से कोई और ही डॉक्टर शायद करता होगा, मगर सर ने बहुत हेल्प करी मेरी, संजीव सूद सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और ही इज़ वेरी काइंड एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। अगर आपको सच में कराना हो ना क्लास टू मेडिकल, प्लीज़ गो फॉर संजीव सूद सर क्लिनिक। अगर आपको क्लास टू मेडिकल कराना हो या क्लास 1 रिन्यूअल कराना हो तो आप जा सकते हो सर के पास बिना
सोचे समझे आराम से, सर बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे। उसी दिन मेरी रिपोर्ट्स आ गई, क्लास टू मेडिकल्स आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट आ गया, सर ने ही मेरी सारी रिपोर्ट्स EGCA पोर्टल पे अपलोड कर दी, सर्टिफिकेट भी सर ने मेरा अपलोड कर दिया EGCA पोर्टल पे, एंड कुछ नहीं। उसके बाद DGCA का 3-4 दिन बाद मैसेज आ गया कि यू हैव सक्सेसफुली गेट योर क्लास टू मेडिकल सर्टिफिकेट, ऑल इज फाइन, यू आर फिट टू अप्लाई फर्दर। ओके, तो यहाँ तक लगा क्लास टू मेडिकल। कुछ नहीं होता यार, सिंपल होता है टेस्ट, बिल्कुल सिंपल होता है। तो जो कॉस्टिंग आती है क्लास टू मेडिकल में, वो पर्सन टू पर्सन एंड डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करती है। तो मेरी जो लगी थी वो लगी थी 4,500 प्लस एक्सरे एंड रिपोर्ट्स का अलग था, जो ब्लड शुगर टेस्ट हुआ था, जो यूरिन टेस्ट हुआ था, वो लैब को हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो उसके अप्रॉक्सीमेटली 1,000 लग गए थे, 1,000 लेके चलो, एंड 4,500 आपके मेडिकल्स के डॉक्टर कंसल्टेशन फ़ी होती है। तो उसमें आपके टोटल 5,500 रुपीज़ लग गए थे। तो आपको डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है, मैंने ये सुना है डॉक्टर डॉक्टर 7,000 भी लेते हैं, 6,000 भी लेते हैं क्लास टू मेडिकल्स के। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो 4,000 to 6,000 में आपका क्लास टू मेडिकल हो जाता है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर क्लास वन मेडिकल एंड फ्रॉम वेयर हैव टू गेट अपॉइंटमेंट फॉर क्लास वन मेडिकल। क्लास वन मेडिकल देखो 7 stations पे होता है, इंडिया में 7 stations है क्लास वन मेडिकल के। उसमें से जो 5 हैं वो तो हैं आपके एयरफोर्स stations, जो 2 हैं वो हैं सिविल stations, ठीक है। डिटेल्स चिंता मत करो, डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, चिंता मत किया करो यार। मेरी वीडियो पे आयो, दूसरे की वीडियो बिल्कुल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं वादा करता हूँ सारी चीज मैं ही बता दूंगा आराम से, चिंता मत करा करो। मेरी वीडियो देखोगे अगर तो भाई सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी, किसी और की वीडियो पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरों के वीडियो मत देखो यार, आपकी लाइफ है, आप जो करना है, आप जिसकी वीडियो देखनी है आप देखो, बट मैं कह रहा हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा सारे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब मैं यही वीडियो इसलिए ही बनाता हूँ कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो और मेरी लाइफ बहुत इजी हो जाए, कि आप लोग बहुत आसानी से काम कर सको, ठीक है। सो बात करते हैं, देखो 5 जो हैं वो एयरफोर्स स्टेशन हैं और 2 हैं सिविल स्टेशन। तो आपको एयरफोर्स स्टेशन से अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना हो तो क्या करना होता है, आपका यू हैव टू गो टू DGCA एंड देयर यू गेट अ NXA फॉर्म। मैं यहाँ पर लगा दूंगा NXA फॉर्म, आप देख सकते हो NXA फॉर्म। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको PMR नंबर डालना है अपना, जो आपका क्लास टू मेडिकल्स में जनरेट हुआ है, क्लास टू मेडिकल में PMR नंबर जो जनरेट हुआ है वो डालना है, एंड प्रीवियस मेडिकल्स, और आपको NXA फॉर्म सबमिट कर देना है, एंड फ्रॉम वेयर यू गेट अ क्लास वन मेडिकल विद इन 15 to 20 days यू गेट अपॉइंटमेंट। अगर जगह खाली हुई और आपको टाइम मिला तो आपको जल्दी भी मिल सकता है अपॉइंटमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं अभी क्लास वन मेडिकल अभी नहीं कराऊंगा, सबसे पहले मेरे को अपनी ग्राउंड क्लासेस लेनी है, उसके बाद ही मैं क्लास वन मेडिकल कराऊंगा जब मैं फ्लाइंग के लिए जाऊंगा। सो क्लास वन मेडिकल के बारे में मैं अभी आपको इतना नहीं बताऊंगा, बिल्कुल अंदर फर्दर नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या टेस्ट होते हैं। बस मैं इतना सिंपल बता सकता हूँ कि क्लास टू मेडिकल की तरह ही होता है क्लास वन मेडिकल, तो बस थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। 1.5 दिन 2 दिन का टेस्ट होता है, वो 2 दिन का टेस्ट होता है बाय एयरफोर्स स्टेशन और सिविल हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। सिविल हॉस्पिटल्स तो यार मेरे ख्याल से बॉम्बे में है, चेन्नई में है, आप लिस्ट देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाली दी है मैंने, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्लास वन मेडिकल के बारे में फर्दर डिटेल चाहिए तो जब मैं अपना क्लास वन मेडिकल करवाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या मेडिकल्स होते हैं उसमें, फर्दर अच्छे से बता पाऊंगा। तो अभी मैं राइट पर्सन नहीं हूँ इस इंफॉर्मेशन के लिए क्लास वन मेडिकल क्या क्या टेस्ट होते हैं। फर्दर मैं ये बता सकता हूँ कि यही टेस्ट हैं वैसे तो, पर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। एंड कॉस्टिंग जो आती है क्लास वन मेडिकल वो अराउंड 6,000 to 8,000 रुपीज़ आती है, डिपेंड ऑन एयरफोर्स स्टेशंस, तो एक ही अमाउंट लेंगे आपसे, एंड डिपेंड 2 जो बाकी सिविल स्टेशंस हैं वो आपके डिपेंड करते हैं उन पर कि वो कितना प्राइस चार्ज करते हैं क्लास वन मेडिकल का। अगर बात करते हैं कि बेस्ट टाइम फॉर क्लास वन मेडिकल टू टेक इज, आई थिंक फॉर मी बेस्ट टाइम इज बिफोर फ्लाइंग,
बिफोर यू आर गोइंग फॉर फ्लाइंग यू हैव टू टेक योर क्लास वन मेडिकल एंड गेट योर क्लास वन मेडिकल. सो क्या होता है ना, किसी भी फ्लाइंग स्कूल में ज्वाइन करने से पहले आपको क्लास टू मेडिकल एंड क्लास वन मेडिकल उन्हें देना ही पड़ता है ताकि यू आर एलिजिबल फॉर फ्लाइंग और नॉट. उन्हें पता रहता है कि आप एलिजिबल हो फ्लाइंग के लिए, यू आर परफेक्टली फिट फॉर फ्लाइंग और नॉट. ठीक है, बस यही चीज़ होती है क्लास वन मेडिकल की एंटर करने के लिए फ्लाइंग स्कूल में. तो मैंने भी यही सोचा है और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि क्लास टू मेडिकल तो आप कंप्यूटर जनरेट होने से बाद एकदम करवा लो. ठीक है, जब आपको पता चल जाए आप उसमें बिल्कुल फिट हो तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और फ्लाइंग से पहले आप अपने मेडिकल्स क्लास वन मेडिकल करा लेना. जब भी फ्लाइंग ज्वाइन करनी हो आपको, आपको पेपर से पहले फ्लाइंग करनी है या पेपर के साथ साथ फ्लाइंग करनी है, तो आप इट्स योर चॉइस, अप टू इट्स योर चॉइस आप क्लास वन मेडिकल कब करवाओ. बेटर मैं यही बोलूँगा कि बेटर टू डू इट बिफोर फ्लाइंग, तो दैट्स अ परफेक्ट चॉइस. अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं दोनों मेडिकल करवा लेता हूँ उसके बाद मैं ग्राउंड क्लास लूँगा फिर मैं दोबारा मतलब फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करूँगा, तो आप ग्राउंड क्लास लोगे. ग्राउंड क्लास में आपको 4 to 6 months लग जाएंगे, उसके बाद आप पेपर क्लियर करने का इंतज़ार करोगे, उसके बाद आपका एक साल बाद दोबारा रिन्यू करवाना होगा क्योंकि क्लास वन मेडिकल आपका एक साल बाद रिन्यू करवाना पड़ता है. DGCA ऐसा बोलता है कि क्लास वन मेडिकल आपको एक साल बाद रिन्यू करवाना है एंड फॉर क्लास टू द टाइम पीरियड इज 2 years. आपको 2 years बाद क्लास टू मेडिकल रिन्यू करवाना पड़ता है. एंड एट द एज ऑफ 40, जब आप 40 के हो जाओगे तो उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा 6 to 6 months. 6 महीने हुए उसके बाद दोबारा रिन्यू करवाना, क्लास वन मेडिकल की बात कर रहा हूँ, रिन्यू करवाना पड़ेगा 6 महीने बाद. 6 महीने हुए उसके बाद क्लास वन मेडिकल भी रिन्यू करवाओ, तो क्योंकि आपकी एज हो जाती है तो आपको मेडिकल फिट रहना होता है फ्लाइंग के लिए हमेशा. हर साल आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं फ्लाइंग के और एट द एज ऑफ 40 आपको 6 months बाद टेस्ट करवाने पड़ते हैं. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर क्लास वन एंड क्लास टू मेडिकल्स. मेडिकल्स आपको इसलिए ही बस यही इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे मेडिकल्स की. और कोई भी क्वेरी हो यार, कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करो. हमेशा हर बंदे का आप देखोगे, मैं हर बंदे का कमेंट का रिप्लाई करता हूँ. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी का रिप्लाई नहीं करता हूँ. मैं चाहे कितना भी बिजी हो ना, मैं तब भी रिप्लाई करता हूँ उस बंदे का. ठीक है, कोई भी हो प्लीज़ कमेंट करो. कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू एविएशन, रिलेटेड टू बिकमिंग अ पायलट, यू कैन कमेंट द मैसेज मी ऑन इंस्टा, कमेंट ऑन दिस वीडियो और टेक माई व्हाट्सएप नंबर इन थ्रू इंस्टाग्राम. मैं सबका रिप्लाई करूँगा, ऐसी बात नहीं है यार. तो मेरे को भी पता था कि मेरे साथ एविएशन में मेरी रिलेशन में कोई भी नहीं है, कोई भी रिलेशन में मेरा पायलट नहीं था, बट मेरे को बनना था, मेरा पैशन है बनने का. तो इसलिए ही मैं आप लोगों की पहले से हेल्प कर रहा हूँ थ्रू दिस वीडियो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है. और तब भी अगर आप इस वीडियो को देख के प्रॉब्लम आ रही है ना, तो प्लीज़ भाई मैसेज करो, कोई बात नहीं, नंबर ले लेना, व्हाट्सअप नंबर, यू कैन कॉल मी. तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो. और अब मैं सोच रहा हूँ कि आई विल बी मेकिंग सच टाइप ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू एविएशन विच हेल्प्स यू अ लॉट. So I'm making videos regarding aviation content which you likes the most, who are going to become a pilot and who are planning to become a pilot after 12th. So I'll be making videos soon, as possible as soon. So till then, bye bye, take care, happy landings, happy takeoffs, bye bye.